हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रोम केटी प्रो के बारे में, जो कि पोको F1 के लिए है और 21.11.24 बिल्ड नंबर है ये। और जैसे कि बताया था, मेरी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसलिए दो दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। अभी थोड़ा सही हूँ, इसलिए मैं सोचा कि कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं वापस से वीडियो को। तो मैं जो है इसमें फ़िलहाल यहाँ रोम केटी प्रो का रिव्यू करने जा रहा हूं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला। हालांकि ओवरक्लॉक्ड है, 65 हर्ट्ज़ तक ये जो है अनलॉक है इसके अंदर में, तो देखते हैं हमें कैसी परफॉर्मेंस और क्या कुछ है मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। सबसे पहले चलते हैं माय डिवाइस के अंदर में, तो रोम केटी प्रो सिंपल 12.6 का, जैसे कि आप देखोगे तो 21.11.24 बीटा वर्जन मिल जाता है, जो कि सोमयू बेस्ड रोम है। ऑल स्पेक्स में चलते हैं तो ये ओवरक्लॉक्ड है 2.9 गीगाहर्ट्ज़, आप देख सकते हो। और फिर एंड्रॉयड 11 है, सिक्योरिटी पैच दिसंबर 2021 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ है। कर्नल आपको यहाँ पर D8G का कर्नल यहाँ पर मिल जाता है 2.8, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको चल के ब्राउज़र पे भी दिखा देता हूँ कि इसका FPS जो है अनलॉक है 65 हर्ट्ज़ तक। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 65 हर्ट्ज़ जो है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको अनलॉक मिल जाता है, जो कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 60 हर्ट्ज़ तक ही हमारा अनलॉक होता है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 65 हर्ट्ज़ मिल जाता है, ऊपर से ओवरक्लॉक्ड भी है। और हमारा एबोल्ट की बात करें तो एबोल्ट में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, एबोल्ट अच्छे से काम कर रहा है। वहीं अगर हम कंट्रोल सेंटर में चलते हैं तो ये भी काफ़ी स्मूथ है। और जैसे कि म्यूज़िक प्लेयर हमें यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर मीडिया प्लेयर, और फिर आपका ये एक टॉगल दिया गया है परफॉर्मेंस मोड, जो कि आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो यहाँ से भी। और वॉल्यूम पैनल आपको 3 पैनल के साथ लेटेस्ट वॉल्यूम पैनल मिल जाता है, उसी तरीके से लेटेस्ट वाला ही हमारा जो है पावर मेन्यू भी देखने को इसके अंदर में मिल जाता है। एक्सटेंड आप डेवलपर ऑप्शन से कर सकते हो। और फिर यहाँ पर ऐप ओपनिंग के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप देख सकते हो फुल एनिमेशन के साथ है और काफ़ी अच्छा एनिमेशन है, कोई लैग नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं रिसेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि हमारा यहाँ पे मेरा जो बिल्ड या मेरा जो पोको F1 है 6GB वाला है, तो यहाँ पे 3GB तक जो है 3.1GB तक जो है फ्री रैम हमें देखने को इसके अंदर में मिल रहा था, इतना जो है फ्री मिल जाता है यहाँ पे। वहीं कैमरे के अंदर चलते हैं तो MIUI का कैमरा MIUI 12 वाला मिल जाता है, AI काम कर रहा है, बाकी के ऑप्शन भी अच्छे से काम कर रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड भी आप आराम से क्लिक कर पाओगे। मोर के अंदर चलते हैं तो मोर के अंदर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से मिल जाता है। और जैसे कि काफ़ी लोग पैनोरमा मोड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी यूज़ आप कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, पैनोरमा मोड काम कर रहा है तो यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होगी। प्रो मोड जैसे कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। वहीं हम चलते हैं इसके वीडियो की तरफ, तो वीडियो क्वालिटी आपको दिखा दूँ तो 4K 60fps जैसे कि पोको F1 में सपोर्टेड है, उतना बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4K 60fps तक, तो आप आराम से रिकॉर्ड कर पाओगे। और फिर GCam यूज़र हो तो GCam भी आप आराम से यूज़ कर पाओगे, GCam भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर पाओगे। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो ओके गूगल तो उसका बग रहने वाला है, चेक किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। और फिर यहाँ पे प्री इंस्टॉल आपको मैजिक मैनेजर मिल जाता है इसके अंदर में, जिसमें सेफ्टी नेट हालांकि आपको बाय डिफॉल्ट तो पास नहीं मिलता है, तो आप जो है मैजिक को हाइड कर देना तो सेफ्टी नेट आपका पास हो जाएगा। वैसे भी इसकी वीडियो मैं बना रखा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, तो आप देख लेना कैसे पास करते हैं अगर जिनको नहीं पता है। और ये प्ले स्टोर भी आपका कैसे सर्टिफाइड करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड नहीं, कैसे सर्टिफाइड करते हैं, बैंकिंग ऐप कैसे हाइड करके यूज़ करते हो, सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। एंड डॉल्बी की बात करें तो डॉल्बी आप आराम से यूज़ कर पाओगे, ये बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आपका अच्छे से काम कर रहा है तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे आपके जैसे कि YouTube वेंस्ट आपको प्री इंस्टॉल इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और फिर यहाँ पे बाकी एप्लीकेशन भी अगर आप देखोगे तो सभी जो है आपको लेटेस्ट ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे आपका वीडियो प्लेयर हो या सिक्योरिटी हो, सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लेटेस्ट ही देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि गैलरी की अगर हम बात करें तो गैलरी के अंदर भी आपको चल के दिखा दो फिल्टर, जो अभी हमें लेटेस्ट बिल्कुल मिल रहा है वही आपको यहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हो। ये सभी फ़िल्टर जो है हॉलीडे ऑक्सीजन, ये सब जो है लेटेस्ट फिल्टर्स हैं जो कि अभी हमें मिलता है। स्काई भी है इसके अंदर में, तो पूरी तरीके से लेटेस्ट गैलरी मिल जाती है। अगर रिकमेंडेड में जाओगे तो यहाँ पर वीडियो जो कि पोर्ट्रेट वीडियो मिल जाता है इफेक्ट के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो बिल्कुल लेटेस्ट गैलरी है। और फिर टूल्स के अंदर में FM हमारा काम कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं तो इसकी क्वालिटी आपको दिखा दूँ, तो क्वालिटी वही 100 Mbps तक की मिल जाएगी और फ्रेम रेट हमें 60fps तक अनलॉक यहाँ पे मिल जाता है। और अब हम चलते हैं कॉलिंग की तरफ, तो कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी आप आराम से कर पाओगे, ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडियम कॉलिंग दोनों पर अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। और यहाँ पर आपका वाईफाई कॉलिंग जैसे कि बिल्कुल आपको वर्किंग मिल जाता है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। और फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के और बारे में, तो आप जैसे कि गूगल फोटो इंस्टॉल करोगे इसके अंदर में तो उसके अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा, तो गूगल फोटो बस आपको इंस्टॉल करना है, अनलिमिटेड स्टोरेज इसके अंदर देखने को मिल जाएगा।
और DRM इन्फो भी आपको दिखा देते हैं। वाइड वाइन जैसे कि L1 का सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी लेवल L1 जैसे कि सपोर्टेड है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। और अब हम चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। तो कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर MI+Beta हमारा काम कर रहा है। MI Share आप यूज़ कर पाओगे, और जैसे कि बाहर कास्ट भी मिल जाता है तो कास्ट भी हमारा वर्किंग है। और फिर चलते हैं वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर में। तो यहाँ पे आपको जो है वॉलपेपर में सुपर वॉलपेपर भी मिल जाएगा और बिल्कुल डाउनलोडेड है। और फिर नीचे जो नॉर्मल स्टैटिक वॉलपेपर्स हमें मिलते हैं वो सभी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। थीम्स के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे थीम आप आराम से इंपोर्ट करके अप्लाई कर पाओगे। चाइनीज़ थीम स्टोर ही देखने को मिलेगा इसके अंदर में। और फिर हम यहाँ पे बैक करते हैं तो बाहर में जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन मिलता है। तो इसके अंदर ऑलवेज ऑन आपका बिल्कुल अच्छे से काम करता है। आप स्टोर से डाउनलोड करके अप्लाई नहीं कर सकते, जो इसके अंदर है वहीं आप अप्लाई कर सकते हो जैसे कि ग्लोबल में होता है। लेकिन ये आपका ऑलवेज ऑन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, तो ये आपको बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है। कोई भी बग इसके अंदर आपको नहीं मिलता। नोटिफिकेशन इफेक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका भी यूज़ कर सकते हैं। डबल टैप टू बैक काम कर ही रहा है। चार्जिंग एनिमेशन पहले के वीडियोस में आपको बता रखा हूँ इसके रोम केटी के, तो वही वाले आपका चार्जिंग एनिमेशन रहने वाले पहले वाले ही। और फिर चलते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर में। तो यहाँ पे भी हमारा जैसे कि एंटी फ्लिकर मोड आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मिलती है यहाँ पे। फिर रीडिंग मोड हो गया जो कि काम कर रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कलर स्कीम आपका वर्किंग है। रिफ्रेश रेट जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। AI इंजन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। सुपर रेजोल्यूशन जैसे कि देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। AI इंजन, इमेज इन्हेंसमेंट दिया गया है तो ये भी आपको मिल जाएगा। फिर HDR इन्हेंसमेंट दिया गया है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड MEMC भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से जो है इनका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। फिर नीचे आपका रोटेशन है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। साउंड एंड वाइब्रेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे जो है साउंड असिस्टेंट हो गया जो कि नॉर्मली आपको एंड्रॉयड 11 में मिलता है। एंड वाइब्रेशन के लिए हो गया एडिशनल सेटिंग्स हो गए, तो ये भी साउंड के ऑप्शंस हो गए। एंड MI साउंड एनहांसर आपका काम कर रहा है, तो आप इसका यूज़ कर पाओगे बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलती इसके अंदर में। और अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर है जिसमें आप नोटिफिकेशन इफेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर स्टाइल हो गया जिसमें ओल्ड न्यू कर सकते हो, साइड चेंज कर सकते हो। और फिर यहीं पे नीचे आने के बाद आपको जो है मिल जाता है स्टेटस बार जिसमें आप नोटिफिकेशन आइकन हो गया, कनेक्शन स्पीड आप यहीं से इनेबल कर पाओगे। नीचे बैटरी इंडिकेटर भी है और हाइड नोच भी है, तो नोच के लिए भी आपको यहीं पे मिल जाता है। फिर लास्ट में हमारा यहीं सेटिंग्स में नीचे जो है मिल जाता है होम स्क्रीन का। तो ये होम स्क्रीन हो गया जिसमें आपका जेस्चर हो गया, सिस्टम नेविगेशन यानी कि ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट तो दिया गया, बट ओके गूगल काम नहीं करता इसके अंदर में जैसे कि आपको बताया। और यहाँ पर ये जो है आपका नेविगेशन बटन भी अगर आप यूज़ करते हो तो अच्छे से यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। सर्च बार आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि ये सर्च ऐड हो गया है। और फिर यहीं पे नीचे आपको अरेंज आइटम इन रीसेंट में मिल जाता है जो कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो है आप यहाँ पे रीसेंट को ऐड कर सकते हो। ये चीज़ें आपको मिलती हैं। तो हो गया हमारा होम स्क्रीन का। अब हम चलते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों ही अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं मिलती है, ये बिल्कुल वर्किंग है। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो IR फेस अनलॉक बिल्कुल अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है, काम कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपको यहाँ पे दिक्कत फिलहाल नहीं होगी, ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी इसके अंदर आपको लेटेस्ट ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी दिक्कत फिलहाल नहीं होती, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। डो नॉट ट्राई, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बैटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैलेंस परफॉर्मेंस जैसे कि आपको मिल जाता है इसके अंदर में। सेफ बैटरी भी दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर पाओगे बैटरी और बचाने के लिए। सेफ बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो। टेम्परेचर अब नॉर्मल इस तरह टेक्स्ट में ही दिखता है, नॉर्मल कूल इस तरीके से। और बैटरी बैकअप उसे आपको अच्छी ठीक ठाक जो है यहाँ पे बैटरी, ज़्यादा तगड़ी नहीं कह सकते, ओवरक्लॉक भी है, ठीक ठाक जो है बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐप्स के अंदर चलते हैं तो फिर यहाँ पे डुअल ऐप लोग आप यूज़ कर पाओगे। और एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये सारी लैंग्वेज हैं जो कि हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो इतनी सारी लैंग्वेज है, आपकी जो भी लैंग्वेज हो आप थोड़ा सा यहाँ पे स्लो करके या रोक कर आप देख सकते हो, ये सभी लैंग्वेज हैं मिलती हैं। फिर नीचे रीजन आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और यहीं पे जो है जेस्चर शॉर्टकट हो गया आपका, LED लाइट हो गया जो कि काम कर रहा है, क्विक बोल है, क्लियर स्पीकर मिल जाता है जिससे डस्ट हल्का फुल्का क्लियर हो जाता है स्पीकर का। और फिर यहाँ पे नीचे ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल मिल जाता है जो कि WeChat के लिए है। और मेमोरी एक्सटेंशन भी दिया गया है जो कि ये शायद तो मेरे हिसाब से पता नहीं काम शायद नहीं करेगा हमारे में, तो पर यहाँ पे दिया तो गया है, पर ये आपको मिल जाएगा। फिर स्क्रीन टाइम हो गया, फोकस मोड मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है यहाँ पे। स्पेशल फीचर्स के अंदर स्मार्ट टूल बॉक्स अब मिल जाता है जो कि पहले वीडियो टूल बॉक्स था, अब ऑलवेज ऑन जो कि यहाँ पे एक तरीके से ऑलवेज शो कर सकते हो इसको, यानी कि हमेशा ऑन रहेगा, तो आप इसे जो है इस तरीके से ऑन कर सकते हो और चूज़ भी कर सकते हो किस एप्लीकेशन में ऑन होना चाहिए किस में नहीं, तो भी आपको मिल जाता है इसके अंदर में।
लेकिन ये आपका ऑलवेज शो आपका बिल्कुल यानी कि ऑलवेज ऑन रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे गेम ऐड कर सकते हो, गेम के अंदर शो करना है तो एप्लीकेशन भी दिया गया पोजीशन भी चेंज करने के लिए। वहीं गेमिंग मोड कहाँ गया, तो गेमिंग मोड के लिए आपको सिक्योरिटी में आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो कि गेम टर्बो है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो गेम्स को, गेम की सेटिंग्स मिल जाती है जो कि फिलहाल स्पेशल फीचर्स में अभी देखने को हमें नहीं मिलता, अब यहाँ से रिमूव कर दिया गया। बाकी के ऑप्शन आपके काम कर रहे हैं, फ्लोटिंग विंडो है, बाकी सारी चीज़ें बार, फिर नॉर्मली वही अकाउंटेंसिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। और एंटूडो स्कोर हमारा जो है 3,94,183 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अंदर में, जो कि स्कोर के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा स्कोर है, 400,000 ही आप समझ लो कि मिल जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे गेम टर्बो जो है बिल्कुल लेटेस्ट है, जिसके अंदर वॉइस चेंजर है और ये वॉइस चेंजर काम करता है तो आप इसका यूज़ कर पाओगे। वहीं अगर हम देखें गेमिंग मोड, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस एंड बैलेंस के लिए आपको मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप इनेबल कर सकते हो। और फिर ग्राफिक आपको वही सेम मिलने वाली है, हालांकि स्मूथ पे 90 Hz तक देखने को मिलता है, बैलेंस पे आपका अल्ट्रा रहेगा, HD पे अल्ट्रा और HDR पे भी अल्ट्रा, जैसे कि HDR अल्ट्रा तक हमारे में सपोर्ट करता है तो उतना मिल जाएगा, अल्ट्रा HD के सपोर्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड 90 Hz सेलेक्ट कर लेते हैं और फिलहाल यहाँ पे खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की भी अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं मिलता, परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ही रोम है। तो अगर आप MIUI रोम अभी यूज़ कर रहे हो Poco F1 के अंदर, तो ये रोम यूज़ करो, काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ मिलेगा। ओवरक्लॉक्ड है, 65 Hz अनलॉक बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मिल जाता है, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को इसके अंदर में मिल जाता है। और जैसे कि परफॉर्मेंस तो भाई तगड़ी इसके अंदर है ही, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके अंदर ओवरक्लॉक्ड है, 65 Hz मिल जाता है। और आपका जो गूगल फोटो उसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, यूट्यूब बेंच्ड प्री इंस्टॉल मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसके अंदर में मिल जाती हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छा रोम को बनाती हैं ये सारी चीज़ें मिल करके यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट में मिलने वाली हैं। एंड इंस्टॉलेशन जैसे कि बताया पहले की वीडियो में बता रखा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप देख लेना, उसमें अगर कुछ चीज़ें मैं मिस भी की तो उसके अंदर आप देख लेना। इस पर ज़्यादातर जो है अभी फिलहाल सभी फीचर्स के बारे में वैसे तो कवर कर ही लिया हूँ, कुछ कुछ जो बचे होंगे तो आप उस पर भी अगर देखना चाहो तो उस पर भी आप देख सकते हो, उस पर आपको इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल जाए। और तो आवाज़ के लिए थोड़ी सी यहाँ पर सॉरी मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जैसे कि तबीयत ख़राब था, तो भाई पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुआ हूँ, पर वीडियो भी करना भी ज़रूरी था, तो आवाज़ थोड़ी सी चेंज ज़रूर है यहाँ पर। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप वीडियो आप पूरी देख करके आप जो भी आपको पूछना था आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।